हेलो बच्चों, संदीप ज्ञान चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। और आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की एक बड़ी वैकेंसी लेके आए हैं। यदि आप भी पीएनबी में जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास एक सुनहरा मौका है। तो यहाँ जो टोटल वैकेंसीज आपको इस बैंक में मिलेगी वो मिलेगी, यहाँ देख सकते हो 535 पदों पे ये बड़ी भर्ती प्रक्रिया निकल गई है और सभी स्टेट के कैंडिडेट इसमें जो है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे, कैसे सिलेक्शन होगा, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जा रही है। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना, और यदि आप रोजाना गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए ताकि सभी जो वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ बेसिक जानकारी हिंदी में, और इसके बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन बात कर रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी द्वारा अधिकारी के रिक्त पदों के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित करता है। तो यहाँ सभी राज्यों के जो कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म भर पाएंगे। और इसके साथ बात करेंगे टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज। तो टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज 535 पद आपको यहाँ मिल रहे हैं, ये है आपके इसके टोटल पद। और इसमें जो सैलरी या वेतन आपको मिल रहा है 42,020 रुपये से लेकर 51,490 रुपये प्रति महीना आपको इसमें वेतन दिया जाएगा। और इसके साथ बात करेंगे आपकी एज क्या होनी चाहिए। तो आपकी आयु सीमा यहाँ 37 वर्ष रखी गई है। अधिक जानकारी हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से दिखाएंगे या आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। इसके साथ बात करेंगे आवेदन शुल्क सभी के लिए बात करेंगे। यहाँ सबसे पहले SC ST PWD कैंडिडेट्स उम्मीदवारों के लिए 175 रुपये आवेदन फीस है। लेकिन यहाँ अन्य जो कैटेगरी है, आपकी अन्य जो कैटेगरी है जिसमें जनरल और OBC को यहाँ देना होगा 850 रुपये या जो एग्जाम फीस या आवेदन फीस देना होगा, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म फीस जो इसकी है 850 रुपये है जनरल और OBC की। अदर SC ST PWD कैंडिडेट्स उम्मीदवार के लिए 175 रुपये यहाँ रखी गई है। बात करेंगे आवेदन कैसे करना है। तो ऑफिशियल जो वेबसाइट है उससे आपको ऑनलाइन इसका फॉर्म अप्लाई करना है। चयन की यदि हम बात करें तो लिखित परीक्षा के आधार पर आपका इसमें चयन किया जाएगा। यहाँ आपका इंटरव्यू भी लिया जा सकता है। बात करेंगे ऑनलाइन शुल्क आवेदन और भुगतान के लिए प्रारंभिक तिथि 8 सितंबर से, यानी कि कल से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया था। और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 29 सितंबर 2020 रहने वाले। आवेदन के विवरण की अंतिम तिथि रहेगी 29 सितंबर। अपने आवेदन की प्रिंट करने की अंतिम तिथि रहेगी 14 अक्टूबर तक, जो है आप इसका जो है प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। इसके साथ शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं नहीं है। डिप्लोमा स्नातक स्नातकोत्तर और प्रशासनिक अनुशासन विभाग से यदि आपने कर रखी है तो इसका फॉर्म आप अप्लाई कर सकते। तो बच्चों, अभी आप देख सकते हो ये इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो प्रकाशित किया गया पंजाब नेशनल बैंक, और ये इसकी जो ऑफिस है वो बताई गई है आपको। और यहाँ आपको जिसमें प्रथम डेट बताई है कि 8/9 से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया है, जिसकी लास्ट डेट रहेगी 29/9/2020। और टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम, आपकी जो ऑनलाइन एग्जाम होगी अक्टूबर नवंबर में, यहाँ टेंटेटिव बताई गई है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। ये कल की डेट में नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ है। और यहाँ कौन कौन सी वैकेंसीज आपको मिल रही है वो आप देख सकते हो। यहाँ मैनेजर की वैकेंसीज आपको मिल रही है, यहाँ हर सेक्टर की मैनेजर की वैकेंसीज आपको मिल रही है। और यहाँ टोटल वैकेंसीज आपको बताइए 535, और आप वेतन देख सकते हो ये इसमें आपको वेतन दिया जाएगा। तो यहाँ अच्छा जॉब आपको मिल रहा है। और इसके साथ अदर जो वैकेंसीज है यानी कि SC ST OBC EWS जनरल को कितनी कितनी वैकेंसीज मिल रही है वो कैटेगरी वाइज आपको यहाँ बताई गई है। और इसके साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप जो है आपको सेम बताई गई है। यहाँ अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम आपको दिखा देते हैं, अलग अलग पोस्ट जो है उसकी अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों को यहाँ बताई है। उम्र सीमा आपकी मिनिमम यहाँ 25 वर्ष है, अधिकतम 35 ईयर्स है। यहाँ देख सकते हो अलग अलग पोस्ट की अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, और अलग अलग ही आपको यहाँ जो उम्र सीमा देखने को मिलेगी। बात कर रहे हैं यहाँ जैसे कि बात करें यहाँ जो है मैनेजर इकोनॉमिक, तो यहाँ 25 से लेकर 35 वर्ष रखी गई है। पोस्ट ग्रेजुएट होनी डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और 60% मार्क्स के साथ। तो ये इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसे कि प्रत्येक पोस्ट की अलग अलग है। मैनेजर HR के अलग है यहाँ देख सकते हो, और इसके साथ अलग अलग जो मैनेजर्स हैं उनकी अलग अलग वैकेंसीज आपको जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ आपको उम्र सीमा के संबंधी डिटेल्स बताइए कि आपको कितने साल की छूट मिल रही है। SC ST OBC को 3 और यहाँ OBC को 3 साल की, और SC ST को यहाँ 5 साल की छूट मिल रही है। तो यहाँ आप इसमें जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस संबंधी डिटेल्स भी इस नोटिफिकेशन में आपको समझाई गई है। तो फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करें।